अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। इस वक्त हम उस मुबारक पत्थर के पास मौजूद हैं। पता नहीं इसको पत्थर कहना भी मुनासिब होगा कि नहीं। अबू बोल अबू। क्योंकि दिखने में तो ये आपको पत्थर लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ पत्थर नहीं है। अबे साले। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत बात यहाँ मशहूर है कि अगर कोई दिल में तमन्ना है, हाय हाय हाय, और अगर इस पत्थर को उठाया जाए तो तमन्ना अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उठ जाता है। मैं नहीं मानता। और अगर नहीं होनी तो ये पत्थर नहीं उठता। पागल हो गया। मुझे बता रहे थे इस्लामी भाई कि 10-12 साल का बच्चा अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आया, बच्चे से ये पत्थर आसानी से उठ गया, वालिद साहब ना उठा सके। अब आइए कुछ नियतों के साथ मैं भी उठाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं ये पत्थर उठता है कि नहीं। आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट गलतफहमी। पहले मैं वैसे ही इस पत्थर को पिक करने की कोशिश करता हूँ कि इसका वजन कितना है और क्या ये आसानी से उठता है या नहीं। चलो चलो चलो। नहीं, मुझसे तो नहीं उठ रहा। अब अप्रॉक्स जो है ये शायद जिसको कहें कि 30-35 किलो इसका वजन होगा। और अब चलें कुछ नियत करते हैं। एक तमन्ना की मैंने और उससे वो पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह उठ गया। और लख लानत तेरे जम्मन पे। दूसरी इल्तिजा की और जो दिल में ख्वाहिश थी वो पत्थर नहीं उठा। अब मैं तीसरी कोशिश करने जा रहा हूँ। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बताया गया कि अगर ये उठ तो गया, लेकिन जो मुश्किल से उठता है तो वो ख्वाहिश या वो तमन्ना भी थोड़ी मुश्किल से पूरी होती है। एक केड़ा दीन है, एक केड़ी आयत है, केड़ी हदीस है। जाएंगे वो सूरतुल अहकाफ के शुरू में आता ना कि ये जिन हस्तियों को पुकार रहे हैं ना, उनको तो पता भी नहीं कि उनको पुकारा जा रहा है, और क्यामत वाले दिन ये हस्तियां इनकी दुश्मन बन जाएंगी और वो अल्लाह को कहेंगी कि या अल्लाह, इन्होंने हमें पुकारा है, हमारा कोई कसूर नहीं है, और वो उनसे ऐलान बरात कर देगी। ये सारी आयात मैंने मसला नंबर 121 में कवर की हुई है कि बुजुर्ग खुद ही दुश्मन बन जाएंगे बुजुर्गों के मानने वालों। हम इसीलिए कहते हैं जिस तरह इतने खुदाओं की जगह एक खुदा को मान लें तो जिंदगी सुकून में आ जाएगी, इसी तरीके से सारे बुजुर्गों से ऐलान बरात करके एक बुजुर्ग इमाम आज़म सैयदुना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहबर मान लें तो सारी मुसीबतों से जान छूट जाएगी।